आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। फर्रुखाबाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, जहां अमृतपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सुशील शाक्य के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। वहीं राजनाथ सिंह जिले में कमल खिलाने के लिए राजपुर MD कोल्ड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ताजनगरी जाएंगे केंद्रीय मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनसंपर्क करेंगे ताजनगरी में। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, जहां अमृतपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सुशील शाक्य के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। राजनाथ सिंह जिले में कमल खिलाने के लिए राजपुर MD कोल्ड में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कम दिन बचे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुका है, जनसभा को संबोधित करना और तमाम जनता के बीच जाना, ये सभी चीजें शुरू हो चुकी हैं। और इसी कड़ी में अब राजनाथ सिंह भी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनता के बीच जाएंगे। और अगर बात करें लोगों की, तो जो है लोग अब चुनाव के लिए काफी जागरूक नजर आ रहे हैं, लगातार उनको जागरूक किया जा रहा है नेताओं द्वारा, बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों द्वारा और साथ ही इलेक्शन कमीशन द्वारा भी। और आचार संहिता भी लागू है, ऐसे में उल्लंघन के मामले भी सामने आ रहे हैं और चुनाव नजदीक है। और ऐसे में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी देखने को मिल रही है और चुनाव प्रचार करते हुए भी वो नजर आएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे, जनता के बीच जब वो मौजूद रहेंगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? कार्यक्रम आज प्रस्तावित है राजपुर में, उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है और राजपुर में 1 घंटे 45 मिनट तक उनका कार्यक्रम रहेगा। और जनता के बीच भारी जो है कि जोश है और कार्यकर्ताओं में पिछले दिनों से उत्साह है, निरंतर कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। NSG के अधिकारी भी एक दिन पूर्व भी आ चुके थे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले चुके थे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी इसका तो मान्यता है, साथ ही साथ NSG के साथ साथ CISF और CISF स्थानीय पुलिस व खुफिया इंटेलिजेंस के भी अधिकारी मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोविड नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम जो हो रहा है वो 300 लोगों की सिर्फ वहां पर अनुमति दी गई है, 300 लोगों की सभा वहां पर होगी। उसके साथ डोर टू डोर कैंपेन के तहत भी कार्यक्रम किया जाएगा। अमृतपुर से भाजपा के प्रत्याशी सुशील शाक्य के लिए वोट मांगे जाएंगे। जी सुंदरम, जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे, एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, उनको लोग अक्सर TV पर ही देख पाते, बहुत दूर से देख पाते, सुरक्षा व्यवस्था के बीच रहते, जब वो जनता के बीच रहेंगे तो क्या इससे चुनाव पर भी असर पड़ेगा, क्या उनके पाले में वोट आ सकते हैं? जी, कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमृतपुर विधानसभा में आने से वोटों पे तो प्रभाव पड़ेगा और वहां की जो जनता है वो वहां पर उनकी एक कह सकते हैं उनकी लोकप्रियता के चलते वहां पर कुछ ना कुछ प्रभाव बस पड़ेगा। साथ ही साथ जो डोर टू डोर जो कैंपेन किया जा रहा है उससे अधिक प्रभाव पड़ने की भी संभावना। जी सुंदरम, अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष के तैयारियों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, विपक्ष की तरफ से कौन से स्टार प्रचारक उतारे गए हैं? जी, अभी तक विपक्ष की तरफ से अमृतपुर क्षेत्र में अभी तक कोई भी बड़ी रैली नहीं हुई। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले यहां पर अमृतपुर विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर की रैली हुई थी, जो विपक्ष के इसमें एक बड़े नेता माने जाते हैं और उनके जो बयान है हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। जी, और जिस तरह से आसपास के इलाकों की बात करें तो आसपास के इलाकों में भी जा सकते हैं क्या रक्षा मंत्री? जी, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो वहां पर 2:45 पर राजपुर कोल्ड स्टोरेज में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। वहां के बाद 3:15 से वो 4 बजे तक प्रभारी मतदाता कार्यक्रम के तहत एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और 4:00 से 4:20 तक डोर टू डोर कार्यक्रम वहां पर जो है मतदाताओं से वोट की अपील भी करेंगे, यह कार्यक्रम का अभी तक आया है। जी, तो जब यहां से निकलेंगे तो कहीं और जाने की भी संभावना है या सीधा दिल्ली वापस जाएंगे?
जी इसके बाद जो आगे के कार्यक्रम है अन्य जिलों के भी उसके कार्यक्रम उसमें लगे हुए हैं और बाकी जो उनका कार्यक्रम है वो उनके दिशा निर्देश के अनुसार जो बनेगा यह प्रोटोकॉल के तहत अभी तक जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता सुंदरम जुड़े थे फरुखाबाद से। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा संभावित है और प्रत्याशी के लिए बीजेपी द्वारा घोषित प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो फरुखाबाद में भी चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो वोट मांगने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, वो चाहे जनप्रतिनिधियों द्वारा हो या फिर स्टार प्रचारकों द्वारा। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और अब सारे स्टार प्रचारक आए दिन अलग अलग जगह पे देखने को मिल रहे हैं। वो बात करें जेपी नड्डा, अमित शाह या फिर अब राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह फरुखाबाद में आज नजर आएंगे। खबर फिरोजाबाद से है जहां फिरोजाबाद में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिकोहाबाद के नेहा गेस्ट हाउस में आएंगे। वो यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ चुनावी मंथन करेंगे। इस दौरान नड्डा भाजपा प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट भी मांगेंगे। तो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, वो चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, और उन सीटों पर प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने जा रहे जो कि काफी अहम मानी जाती है और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो डोर टू डोर कैंपेन करने का एक मकसद ये भी होता है कि जब बड़े चेहरे जनता के बीच जाते हैं तो जनता में एक अलग ही खुशी उत्साह देखने को मिलता है और ऐसे उत्साह के बीच जनता भी प्रेरित होती है वोट करने के लिए, खासतौर से उस जनप्रतिनिधि के लिए जिसके लिए बड़े प्रचारक वोट मांगने आए हों। तो ऐसा माहौल देखने को मिलता है, काफी भीड़ भी जमघट लग जाता है लोगों का उस बड़े चेहरे को देखने के लिए, मिलने के लिए, और ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। और आज फिरोजाबाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे, वोट की अपील करेंगे अपने प्रत्याशी के लिए। और फिरोजाबाद में जब आप डोर टू डोर कैंपेन करेंगे तो एक सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिलेगी, लेकिन जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता से बात करते मिलते हुए भी नजर आएंगे जेपी नड्डा। वोट की अपील करेंगे, जैसे कि हमने बीते दिनों भी देखा लगातार वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा में जाके अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, विकास का वादा कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता संजीव कुमार जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से। संजीव, जिस तरह से आज जेपी नड्डा देखने को मिलेंगे वोट की अपील करते हुए दिखेंगे आज फिरोजाबाद में, क्या बताएंगे, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और लोगों के बीच कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? काफी कड़े किए गए हैं और लोगों के बीच में बीजेपी को लेकर थोड़ा उत्साह तो नजर आ ही रहा है लगभग। जी, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सुरक्षा के इंतजाम के बारे में कहा जाए तो जो नॉर्मल सुरक्षा इंतजाम है लगभग लगभग वही किए गए हैं, कोई स्पेशल फोर्स की तैनाती नहीं की गई है। जी, तो आज कहां कहां कार्यक्रम प्रस्तावित है और कौन से प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे नड्डा? देखिए, 11:30 बजे वो आदर्श इंटर कॉलेज में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसके बाद वो नेहा रेस्टोरेंट में एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे, उसके बाद बड़े बाजार में डोर टू डोर कैंपेन करके प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। जी, कौन से प्रत्याशी के लिए वोट मांगने की अपील करेंगे नड्डा? देखिए, सुखाबाद से मुकेश वर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए ओम प्रकाश वर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए वो वोट मांगेंगे, उसके बाद वो क्या कहते हैं वनी सतीजा जो फिरोजाबाद सदर से प्रत्याशी है उनके लिए वो वोट मांगेंगे। फिरोजाबाद से जितने भी प्रत्याशी हैं लगभग लगभग सभी के लिए वो वोट मांगेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता संजीव कुमार जुड़े हुए थे। तो फिरोजाबाद में आज जेपी नड्डा वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से चुनाव में जागरूक किया जाता है जनता को कि अपना मतदान जरूर दिए, हर एक मतदान अहम होता है, और साथ ही साथ अपने प्रत्याशी के लिए भी अपील करते हुए नजर आते स्टार प्रचारक, इसी कड़ी में जेपी नड्डा भी नजर आएंगे। रुक करते अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के तौर पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में सीएम योगी 2 फरवरी से 4 दिन की यात्रा पर गोरखपुर जाएंगे। इस दौरान सीएम वहां समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ बैठक कर मतदान के लिए सहेजेंगे, जबकि इस दौरान
दौरे के दौरान सीएम 4 फरवरी को अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। तो 4 फरवरी को सीएम अपना नामांकन दाखिल करेंगे, काफी सक्रिय नजर आ रहे। गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी, और गोरखपुर से जब चुनाव लड़ेंगे तो वहां पे सक्रियता उनकी काफी देखने को मिलती भी रही है, वहां से उनको काफी प्रेम सहयोग समर्थन मिलता है, और यही कारण है कि इस बार भी गोरखपुर से लड़ेंगे। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सीएम योगी गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और गोरखपुर के दौरे पर आज रहेंगे सीएम योगी। काफी अहम माना जा रहा है ये चुनाव, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ सपा और बीजेपी दोनों आमने सामने, तो वहीं कई अन्य पार्टियां भी है जो कि काफी दमखम दिखा रही हैं। सपा ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया है, तो वहीं बीजेपी अपने पुराने तेवर में ही नजर आ रही है। स्टार प्रचारकों को जमीनी स्तर पर उतार दिया है, चुनाव में स्टार प्रचारकों की काफी अहम भूमिका रहती है, और बीजेपी इसे काफी अच्छे तरीके से जानती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए वो चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, या फिर अमित शाह हो, या खुद सीएम योगी हो, काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। चुनाव में काफी कम वक्त बचा है और वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कई सौगातें दी है, वो चाहे विकास की हो या फिर बदलाव की हो, तो कई सौगात देते हुए हमेशा नजर आते हैं, वो चाहे गोरखपुर के लिए हो या फिर अन्य जिलों के लिए हो। और इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गोविंद कुशवाहा जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। गोविंद, आज सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, और ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है? यूं तो कई दौरे किए अपने 5 साल के कार्यकाल में गोरखपुर के, लेकिन ये जो चुनाव के पहले दौरे हैं वो कितने अहम है? देखिए, बात करें शहर विधानसभा से उनके टिकट घोषणा हुई है, उसके बाद ही उनका आगमन पहली बार हो रहा है, और दो तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन गोरखपुर होगा। उसके बाद उसी दिन से वो माना जा रहा है कि पूरी तरीके से चुनाव के मैदान में तैयार हो जाएंगे। 2 तारीख को उनका प्रोग्राम है आर्य नगर स्थित शक्ति विद्या मंदिर में, वो बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक कर उन्हें संबोधित करेंगे। अगले दिन 3 तारीख को उनका प्रोग्राम है दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के बलरामपुर हाल में, वो जो चिकित्सक सम्मेलन है उसमें बतौर मुखातिब शामिल होंगे, वहां लोगों को, मौजूद चिकित्सकों को संबोधित करेंगे। इसके साथ नेपाल क्लब की बात करें तो नेपाल क्लब में अधिवक्ता सम्मेलन है, वहां भी वो अधिवक्ताओं को संबोधित करेंगे और शिक्षक सम्मेलन में भी शामिल होंगे। और 4 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 10:30 बजे कलेक्ट्री परिसर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे, और माना जा रहा है 5 तारीख से वो बूथ जो लोगों से संपर्क है, जन अभियान है, डोर टू डोर कैंपेन है, 5 तारीख को उनका चालू हो जाएगा। 9:30 बजे लगभग मोहद्दीपुर स्थित जटा शंकर जो गुरुद्वारा है, वहाँ सिख समुदाय के साथ वो बैठक करेंगे और उनसे चुनाव पे चर्चा, चुनाव को लेकर चर्चा भी कर सकते हैं। जी, जिस तरह से सीएम योगी खुद स्टार प्रचारक है, तो वो अपना डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो क्या किसी और स्टार प्रचारक को भी गोरखपुर में बुलाया जा सकता है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, सूत्रों की माने तो गोरखपुर में अभी फिलहाल किसी स्टार प्रचारक का आगमन नहीं होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं और पूर्वांचल के ज्यादातर सीटों पर उनका वर्चस्व रहता है। ऐसे में यहाँ स्टार प्रचारक जो है उनके आने की कोई भी सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से 4 तारीख को नामांकन करेंगे सीएम योगी, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जी, 4 तारीख को सीएम योगी भी गोरखपुर से नामांकन करेंगे, तो नामांकन के बाद क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा, और जनता के बीच किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि आगरा या मथुरा से लड़ सकते सीएम योगी, लेकिन आखिरकार वो गोरखपुर से ही लड़ रहे चुनाव, तो क्या जनता इससे काफी उत्साहित नजर आ रही गोरखपुर की? जिस दिन से ये घोषणा हुई है शहर विधानसभा से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ेंगे, तभी से जो गोरखपुर की जनता है पूरी तरीके से उत्साहित थी। गोरखपुर की जनता ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए किसी बहुत बड़े त्यौहार से ये कम नहीं है, और उनके नामांकन को लेकर जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां पूरी कर ली है। जनता जो है वो पूरी तरीके से उत्साहित है, और बदलाव की बात तो बदलाव तो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गोरखपुर से चुनाव लड़के पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर आसानी से नजर रख सकते हैं। जी, गोविंद, सीएम योगी के सामने उनको कौन टक्कर देने के लिए खड़ा हो रहा है? जी, बात करें समाजवादी पार्टी ने अभी कोई प्रत्याशी उनके सामने नहीं उतारा है, आम आदमी पार्टी ने एक प्रत्याशी उतार दिया है। भीम आर्मी के चीफ जो है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने उनके सामने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, लेकिन जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसने
अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, किसी भी प्रत्याशी को उनके सामने अभी नहीं उतारा है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गोविंद कुशवाहा जुड़े थे गोरखपुर से। तो सीएम योगी अपनी सीट से ही यानी कि गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और जो टक्कर दे रही पूरी यूपी में उस पार्टी यानी कि सपा ने अभी तक गोरखपुर से अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आज ताज नगरी आगरा जाएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री आगरा उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम खंडेलवाल और योगेंद्र उपाध्याय के समर्थन में जनसंपर्क करेंगी। वहीं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा ने बताया कि स्मृति ईरानी के आगरा आगमन को लेकर आयोजन समिति का गठन कर लिया गया है। चुनाव आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और जनता के बीच जनसंपर्क करेंगी, डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, क्या कुछ कार्यक्रम है आज उनके? बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि आगरा में आज स्मृति ईरानी जो प्रभावी मतदाता है ये इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी और डोर टू डोर कैंपेनिंग करके और जो जनता है उसको उसके बीच जाएंगी और उनसे वार्तालाप करेंगी। और जिस तरह से जो भाजपा में जो विगत दिनों से देखा जा रहा है कि जनता आगरा में जनता के द्वारा भाजपा में वोट बहिष्कार का और चुनाव बहिष्कार का जिस तरह बैनर लगा दिए गए, उस चीज को लेकर के भी वो डोर टू डोर जाके लोगों के बीच जाके मतदाताओं से उनको जागरूक करेंगी और वोट देने की अपील करेंगी। जी जी, कौन कौन सी विधानसभा जा सकती है आज स्मृति ईरानी और कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में कार्यक्रम रहेगा उनका? जी बिल्कुल, उनका कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आपकी आपको बता दूं कि जिस तरह विधानसभा ये ग्रामीण है और यहाँ से ग्रामीण विधानसभा भी जा सकती है और दक्षिणी विधानसभा और उत्तरी विधानसभा। और आपको बता दूं कि यहाँ जो जो आपकी छाबड़ी विधानसभा है वहां पर भी, क्योंकि वहां पर भी विरोध प्रदर्शन साफ तौर से देखा जा रहा है। और ये बात करें अगर ग्रामीण विधानसभा की तो ग्रामीण विधानसभा में भी लोगों के द्वारा जो वोट बहिष्कार का है जो बैनर लगा दिए गए हैं। यहाँ ग्रामीण विधानसभा में एक चमरौली गांव है, वहाँ कई ऐसी जगह है जहाँ वोट बहिष्कार के जो बैनर लगा दिए गए हैं, तो इनको लेकर भी वो छावनी ग्रामीण उत्तरी दक्षिणी इन विधानसभाओं में शहर के अंदर भी और ये कैंपेनिंग करके जनता में वोट के लिए जागरूकता करेंगे। जी ममता, जिस तरह से वोट बहिष्कार के बैनर लगे हैं, लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, तो क्या जब स्मृति ईरानी जाएंगी तो वो क्या आश्वासन देती हुई भी नजर आएंगी कि हाँ आगे विकास किया जाएगा जब उनका जनप्रतिनिधि जीत कर आएगा?
जी बिल्कुल सिखा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह बात करें अगर बोर्ड बहिष्कार की, तो जो लोगों के द्वारा बोर्ड बहिष्कार की बात कही जा रही है, तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि बीजेपी की जो विधायक है कभी क्षेत्र में गए नहीं, कभी जनता से रूबरू नहीं हुए, कभी जनता से बात नहीं की, और जो विकास की अगर बात करें तो विकास भी वो धरातल पर नहीं दिख रहा है। तो इसी को लेकर जो लोग नाराज हैं उसको लेकर के साफ तौर से वो जनता को मनाने की अपने लाख प्रयास करेंगी और कोशिश करेंगी कि कहीं ना कहीं दोबारा से एक बार भाजपा को, भाजपा की तरफ जनता का विश्वास हो और भाजपा की तरफ एक बार रुझान हो, और इस चीज इसी चीज को लेकर के वो दोबारा यहाँ जो स्टार प्रचारक के रूप में जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जनता के बीच आई हैं आगरा में। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। उस खबर पर हमसे संवाददाता ममता जुड़ी थी। तो आगरा यानी कि ताज नगरी आगरा जाएंगे आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और लोगों से वोट की अपील करेंगे, साथ ही साथ अपील करने के साथ साथ वो उनको आश्वासन भी देती हुई नजर आएंगी कि हाँ आगे बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ से चुनाव बहिष्कार को लेकर आवाजें उठ रही हैं, लोग प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए भी जा सकती हैं और हर विधानसभा में जाके अपने बीजेपी द्वारा उतारे गए प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।